नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो जैसा कि मैं हर वीकेंड पर आप लोगों के लिए कोई स्टॉक लेकर आता हूं, उस स्टॉक के बारे में पूरी एनालिसिस करके आपको बताता हूं, उस स्टॉक में किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होते हैं वो चीजें करके दिखाता हूं। तो आज जो मैं आपके लिए स्टॉक जो लेकर आया हूं, वो स्टॉक जो है एक फार्मा कंपनी से है जो कि आज की डेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, जिससे मतलब हम लोग जो इंट्राडे में काफी अच्छे पैसे उस स्टॉक से निकाल पा रहे हैं। तो वो स्टॉक जो है फार्मा कंपनी से जुड़ी हुई है और स्टॉक का नाम है टोरेंट फार्मा, जो कि आजकल एक काफी अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है। तो मैं टोरेंट फार्मा के बारे में कुछ आपको इसके फंडामेंटल के बारे में बता देता हूँ। तो जो टोरेंट फार्मा का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वह है 379.95 बिलियन डॉलर का, और ये जो इंडस्ट्री है वो बायोटेक्नोलॉजी और ड्रग्स में काम करती है, हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करती है। और इस कंपनी में जो इस टाइम जो एम्प्लॉय है वो है 14,550, मतलब 14,550 एम्प्लॉय अभी इस कंपनी में काम कर रहे हैं। और ये जो टोरेंट फार्मा ये जो कंपनी है, ये एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, और जो इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो है सुधीर मेहता, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो है सुधीर मेनन, और जो इस कंपनी के चेयरमैन ऑफ बोर्ड हैं वो है समीर मेहता जी, एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड लीगल जो देखते हैं दैट इज महेश अग्रवाल, एंड जो इसके डायरेक्टर हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वो है चैतन्य दत्त। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपके नॉलेज ये आपके साथ जो है सांझी की है, तो शायद इन चीजों से आपको किसी भी स्टॉक के एनालाइज करने में आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो इस यही बता देता हूँ कि जो है इस कंपनी का जो है पिछला जो इसने रिजल्ट पेश किया था उसका टोटल रेवेन्यू जो है था 90,660 करोड़ रुपीज का था, जो और इसने पिछले जो है इसका ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो था 14,240 करोड़ रुपीज का। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये जो है एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो कि आने वाले टाइम में हमारे लिए जो है काफी अच्छे पैसे बनाकर दे सकती है। तो चलिए आइए अब जो है हम शुरू करते हैं इसकी एनालिसिस, और आप लोग को बताता हूँ इसमें टेक्निकल एनालिसिस करके कि किस तरह से इसमें जो है हमने टेक्निकल एनालिसिस करनी है। तो उससे पहले मैं आप अपने दोस्तों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी मेरे दोस्त सज्जन मित्र यहाँ पर नए हैं और जो पहली बार मेरा ये चैनल देख रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लें। इससे आपको ये होगा कि आने वाली जो है ये नॉलेजेबल वीडियो आपको जो है सबसे पहले अपडेट हो जाएंगी, और जो है आपको टेक्निकल इस चैनल के माध्यम से आपको जो मैं टेक्निकल एनालिसिस सिखाने की कोशिश करता हूं उसमें शायद मैं सफल हो सकूं, मैं जितने से ज्यादा लोगों को मैं सिखा सकूं। तो चलिए आइए हम जो है शुरू करते हैं इसकी टेक्निकल एनालिसिस। तो जैसा कि हम इसका एक साल का हम पीछे का चार्ट ले लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं। तो चलिए हम यहां से ले लेते हैं, ये 18 से ले लेते हैं, 25 जनवरी 18 से। तो देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है, अभी हमने यहां पर क्या करना है, हमको यहां पर इसके हाई लेवल पर जो है हमने अपना एक ये रेजिस्टेंस इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। मैं जरा इसको ऐसे कंप्लीट इसको ओके कर दूं तो आप लोगों को देखने में आसानी होगी। तो चलिए अभी हमने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया, अभी हमने यहां पर देखना है कि किस तरह के पैटर्न यहां पर फॉर्म हो रहे हैं, और इसको भी हम जो है इस तरह से लेके चल लेते हैं। तो देखिए अभी लास्ट टाइम जो है टोरेंट फार्मा ने कहां पर जो है सपोर्ट लिया था, ये जनवरी की बात मैं कर रहा हूं, जनवरी में नियर अबाउट इसने 1200 और 1250 के नियर अबाउट ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। देखिए आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साल पहले ये स्टॉक 1200 रुपीज के नियर अबाउट ये ट्रेड करता था, और आज के डेट में ये स्टॉक जो है अपने जो है लास्ट टाइम के 1 ईयर से अगर कंपैरिजन करें तो ये स्टॉक जो है उस टाइम से आज डबल हो चुका है, मीन 1200 टू इट हैज बिन गोन नियर अबाउट 2400 रुपीज, मीन्स इट हैज बिन डबल, ये डबल हो चुका है। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक की जो है टेक्निकल और फंडामेंटल कितनी मजबूत है। तो चलिए आइए अब हमने यहां से अपनी टेक्निकल एनालिसिस शुरू की है। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर हमको एक डबल बॉटम यहां पर पैटर्न मिल रहा है, लास्ट टाइम इसने यहां पर सपोर्ट लिया था, मैं बड़ा करते जाता हूं आपको अच्छे से पिक्चर क्लियर होती जाएगी। तो देखिए यहां पर लास्ट टाइम इसने सपोर्ट लिया था और यहां पर रेजिस्टेंस लिया था, तो हमने यहां से हमने स्टार्टिंग की है।
तो अभी देखिए क्या हुआ है, अभी आकर फिर जो है जो लास्ट सपोर्ट था उसी सपोर्ट पर आके इसने सेकंड टाइम फिर सपोर्ट लिया है, नियर अबाउट 12,020 रुपीज के नियर अबाउट 1,220 रुपए पर आके इसने सपोर्ट लिया है। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी जब यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर देखिए एक हैमर कैंडल बनाई है, और हैमर कैंडल बनाने के बाद ये जो है देखिए सीधा ऊपर की तरफ कहाँ तक गया है, जहां तक इसका रजिस्टेंस था, जहां पर मतलब इसने लास्ट टाइम यहाँ से रजिस्टेंस लिया था और जहां से रिवर्स हुआ था, इस बार भी देखिए सेम हुआ है। और यहां पर देखिए अब यहां पर बट जो है इस बार ये जो है सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए नहीं आया है, मतलब 1,220 के लेवल को टेस्ट करने के लिए नहीं आया है। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर ये देखिए आप देख सकते हैं कि हायर हाई बनने चालू हो गए हैं। हायर हाई किसी भी स्टॉक में जब बनने चालू हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक जो है अब ट्रेंड में जाने की तैयारी कर रहा है। तो जैसा कि मैंने देखिए आपको हर वीडियो में बताया हुआ है कि जब हायर हाई बनने चालू हो और जब हायर लो और लोअर लो और लोअर हाई बनने चालू हो तो वहां पर हमको क्या करना है, देखिए वहां पर हमको ये करना होता है, हमने अपने दो हायर हाई को ऐसे पकड़ लेना है। देखिए हमने यहाँ पर दो हायर हाई को मिलाया, ठीक है, और अगर हम चाहें तो यहां से भी दो हायर हाई हम यहाँ पर पकड़ सकते हैं। ये देखिए अभी क्या हो रहा है, ठीक है, अभी ये स्टॉक ऊपर की तरफ कहां तक जा रहा है, अभी हम ये हमने जो ये हायर हाई ड्रॉ करके रखा हुआ है इसको हम इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए अभी अभी जब हमको यहां पर स्टॉक मिला, ठीक है, हमने हमको यहां पर दो हायर हाई मिल गए, हमने इस तरह से ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ये इस तरह से हमने ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। अभी देखिए अभी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, अभी हमारा टारगेट हमने ये देखिए हमको यहां पर पहले से दो हायर हाई यहां पर मिले हुए थे, तो हमने क्या किया था इसको एक इस तरह से एक्सटेंड कर लिया था। देखिए हमने इसको एक्सटेंड कर लिया है, यहां पर अभी कुछ कोई पिक्चर नहीं बनी है, ठीक है ना, अभी यहां पर स्टॉक है, अभी हमारा जो है जब यहां से स्टॉक ऊपर की तरफ निकलेगा तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट ऑब्वियसली ये होगा, ये जो इसका ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ करके रखी हुई है ये इसका हमारा टारगेट होगा। अभी देखिए अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको भी जो है एक्सटेंड कर लेंगे इस तरह से जैसे हमने इसको एक्सटेंड किया था। तो अब देखिए यहां पर जो है यहां पर अपना इसको रेजिस्टेंस यहां पर इसने फेस किया और यहां पर नीचे देखिए नीचे आया, नीचे कहां तक आया, सेम हमने ये जो हायर हाई जो फॉर्म हो रहा था वहां पर जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी वहां तक आया। अभी देखिए यहां पर आने के बाद हमारा क्या हमारा सिनेरियो होना चाहिए, यहां पर हमारा सिनेरियो देखिए सिंपल है, जब भी हमको सपोर्ट पर कोई स्टॉक मिलता है वहां पर हमारी बाइंग होती है, और जब भी हमको किसी रेजिस्टेंस पर कोई स्टॉक मिलता है तो वहां पर हमारी सेलिंग होती है। तो देखिए यहां पर हमको क्या मिला, यहां पर हमको एक बहुत अच्छी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिली, ठीक है, ये हमको कंफर्मेशन मिल गया। और अभी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, देखिए अभी हमारा टारगेट ऑब्वियसली ये जो है ये ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, ठीक है ना, बट यहां पर देखिए ट्रेंड लाइन पर आने के बाद इसने कोई ऐसा कैंडल फॉर्म नहीं किया कि शूटिंग स्टार कैंडल बनाया हो या बियरिश एंगल्फिंग कोई कैंडल बनाया हो जिससे हमको यहां पर कोई कंफर्मेशन मिल सके कि हम इसको यहां पर सेल करेंगे और इस टारगेट के लिए सेल करेंगे। बट देखिए यहां पर क्या हुआ है, यहां पर इस टारगेट जो लास्ट हाई लगा हुआ था, ये देखिए ये जो लास्ट हाई लगा हुआ था इसको क्रॉस करने के बाद जो है इसने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है, बल्कि टेस्ट नहीं किया है, टेस्ट सीधा ही जो है देखिए काफी अच्छी एक कैंडल बना दी है और इसको सीधा ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद देखिए अभी ये कहाँ जा रहा है, ठीक है, ब्रेक करने के बाद अभी ये सीधा इसका जो पीछे कोई यहां पर इसका होना चाहिए मेरे हिसाब से, चलिए मैं इसको पीछे कर लेता हूँ। हाँ तो अभी इसने देखिए ये हाई लगाया हुआ है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसने ये हाई लगाया। अभी हम जो क्या करेंगे, यही जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके रखी हुई है, देखिए एक ही ट्रेंड लाइन हमारे लिए कितना काम कर रही है, यही ट्रेंड लाइन देखिए हमने आगे के लिए एक्सटेंड कर ली। जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया, ऊपर से आने के बाद जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये देखिए कहां तक आ सकता है, देखिए फर्स्ट सपोर्ट तो हमारा यही होगा जो जिससे हम 1, 2, 3 एंड 4 थ्री टाइम जहां से हम रिवर्स हुए हैं, ठीक है ना, तो फोर्थ टाइम भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से ये स्टॉक जो है रिवर्स हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ से ये रिवर्स हो गया है कुछ, देखिए यहाँ पर सपोर्ट पर आने के बाद इसने जो है कुछ यहाँ पर टाइम बिताया है, ठीक है ना, यहाँ पर एक रेंज बनाई है और ये देखिए इस रेंज को देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद फिर देखिए रिटेस्ट करने के लिए इसको यहाँ पर आया है, ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। ये देखिए जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे हमको ये ट्रेंड लाइन पर ये सपोर्ट इसने लिया है, ठीक है, ऊपर की तरफ इसने एक रेंज बनाई है, रेंज बनाने के जब ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद ये देखिए फिर इसको रिटेस्ट करने आया है, और रिटेस्ट करने के बाद फिर जो है देखिए अब यहां से एक नवे हायर हाई बनने चालू हो गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए जब यहां पर इसने सपोर्ट लिया है, अब यहाँ हायर हाई, मैं आपको जो है एक इस तरह से ड्रॉ करके दिखाता हूं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए
सॉरी मैं इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक पर जो है वाइट जाए शूट करता है, ये गया। फिर ये देखिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई और फिर ये हायर लो, ठीक है। डिलीट कर देता हूँ इसको, आपको समझ आ गया होगा शायद। चलिए तो अभी देखिए इसने जो हायर हाई बनाया था, यार भाई ये डिलीट क्यों नहीं होते हो यार, यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है कुछ। चलो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए अभी इसने हायर हाई बनाने चालू कर दिए हैं, तो अभी हमारा फिर किस तरह से करेंगे, जैसे हमने पीछे किया था इस तरह से हम यहाँ पर ये ड्रॉ करते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हम इस तरह से ड्रॉ करते गए, ठीक है, और लास्ट हमने जैसे किया था यहाँ पर भी हम इस तरह से ये ड्रॉ करते जाएंगे। सॉरी यहाँ पर हमको एक देखिए एक चैनल मिल गया है, ठीक है। अभी ये क्या हो रहा है, ये एक चैनल में काम कर रहा है, ठीक है। ये चैनल में देखिए ये इस अपर चैनल को टेस्ट कर रहा है, फिर लोअर चैनल को टेस्ट कर रहा है, फिर अपर चैनल को टेस्ट कर रहा है, फिर लोअर चैनल को टेस्ट कर रहा है, फिर अपर चैनल को टेस्ट कर रहा है, फिर लोअर चैनल को टेस्ट कर रहा है। देखिए चैनल पैटर्न में क्या होता है, चैनल पैटर्न में एक रेंज बन जाती है, और रेंज बनने के बाद उस रेंज के अंदर वो स्टॉक जो है काफी टाइम तक जो है वहां पर अपना समय जो है व्यतीत करता है, मतलब हम कह सकते हैं टाइम पास वहां पर करता है उस रेंज के अंदर काफी टाइम तक। और जब उसकी रेंज जब ब्रेक होती है तो वहां पर हम जो है काफी अच्छा एक मूवमेंट देखने को देख सकते हैं। चलिए अभी ये पिक्चर शायद आपको क्लियर हो गई होगी, मैं इसको डिलीट करते जाता हूँ, नहीं तो जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है गंद पड़ जाएगा, फिर देखने में क्लियर हमको नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी यहां तक तो चलिए हमारी हमने आपको समझा दिया। अभी यहां पर क्या हो रहा है, अभी यहां से ये स्टॉक नीचे की तरफ आया है, और नीचे की तरफ ये स्टॉक कहां तक आया है, देखिए हमारा जो लास्ट सपोर्ट होगा जहां पर इसने लास्ट टाइम सपोर्ट लिया होगा, ये देखिए यहां से स्टॉक जो है रिवर्स हुआ था। तो हम यहां पर इस तरह का एक पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस तरह का हमने ये देखिए एक पैटर्न ड्रॉ कर लिया, और ऊपर भी हम जो है इस तरह का एक पैटर्न यहां पर भी हम ड्रॉ कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अभी ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हमको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, शायद आप लोगों में से जो देख रहे हैं उनको पता होगा, जहां पर इस तरह के पैटर्न बनते हैं उस पैटर्न को हम कहते हैं डबल टॉप, ठीक है। और कभी भी जो है डबल टॉप बनता है तो उस सिनेरियो में मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, उस स्ट्रेटेजी को आप जरा फॉलो करेंगे तो शायद आप जो है मतलब ऑलवेज प्रॉफिटेबल रहेंगे। ये जो है देखिए आप इस स्ट्रेटेजी को इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं, जो मतलब 5 मिनट के चार्ट में या 15 मिनट के चार्ट में, या फिर अगर आप चाहें तो आप जब पोजिशनल करते हैं तो आप इसको पोजिशनल में भी स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। चलिए देखिए क्या है, कहीं पर भी अगर आपको डबल टॉप या ट्रिपल टॉप इस टाइप का पैटर्न मिले, जैसे ये देखिए हमको कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर जो है वी कैन सी हेयर डबल टॉप पैटर्न, ठीक है। और यहाँ पर देखिए उसके बाद हमको क्या करना होता है, उसके बाद हमको RSI फोकस करना होता है। यहाँ पर देखिए RSI क्या है, ठीक है, हमने यहाँ पर RSI देखा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये RSI जो है इसके मुकाबले स्टॉक जो है दोनों यहाँ पर लेवल सेम है। यहाँ पर ये देखिए आप 1958 का लेवल है, बट यहाँ पर जो RSI का जो लेवल है वो लेवल है यहाँ पर 79 का, और ये जो यहाँ पर हम टच किया है 72 का, तो यहाँ पर नियर अबाउट 7 पॉइंट का जो है गैप है। ये देखिए जैसे कि ये लेवल सेम है तो ये लेवल भी सेम होना चाहिए था, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको यहाँ पर एक बियरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। और जब भी कभी हमको मार्केट में बियरिश डाइवर्जेंस देखने को मिलती है, देखिए जो बुलिश डाइवर्जेंस है और जो बियरिश डाइवर्जेंस है वो हमेशा जो है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ये देखने हैं, आपने कहीं ऐसे बीच में नहीं देख लेना है कि कहीं बीच में ऐसा बन रहा है तो हम चलो जी इसको बाय कर लेते हैं सेल कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बना और यहाँ पर जो है बियरिश डाइवर्जेंस बना, और देखिए बियरिश डाइवर्जेंस बनने के बाद ये देखिए सीधा बूम, देख रहे हैं आप ये सीधा बूम। चलिए अब हम इसको जो है यहां पर जो है पिक्चर इसको देख लेते हैं, हमने ये जो ऊपर रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा हुआ था इसको हम थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको यहां पर देखिए एक्सटेंड कर लिया, तो ये जो ऊपर से स्टॉक नीचे गिरना चालू हुआ, देखिए पहला हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा जो है पहला टारगेट ये सपोर्ट होगा, जहां से देखिए 1 टाइम सॉरी यहां से 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम और ये 5th टाइम। देखिए किसी भी स्टॉक को अगर सपोर्ट लेना होगा तो वहां पर देखिए अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो वहां पर 2 टाइम और 3 टाइम आप किसी भी सपोर्ट और किसी भी रेजिस्टेंस पर एंट्री ले सकते हैं, बट अगर वही जो है उसको 4th टाइम और 5th टाइम जब टेस्ट करने के लिए आता है तो वो
जो है लेवल वीक हो जाता है, क्योंकि बार बार वो लेवल बार बार टेस्ट हो रहा है। ठीक है, जब कोई लेवल बार बार टेस्ट होने लग जाए तो इससे आपको समझ जाना है कि ये लेवल जो है वीक हो रहा है और ये लेवल टूट सकता है। ठीक है, तो यहां पर अभी देखिए क्या हो रहा है, यहां पर देखिए हमारा ये सपोर्ट हमारा जो है टारगेट होना चाहिए था, बट यहां पर सपोर्ट पे देखिए इसने कुछ सपोर्ट लिया ऊपर की तरफ निकला, बट ऊपर की तरफ हमको एक और यहां पर रेजिस्टेंस था जहां से स्टॉक यहां पर रिवर्स हुआ था। तो देखिए यहां पर छोटे छोटे पैटर्न बनेंगे, आपको छोटे छोटे पैटर्न जो है फॉलो करके चलने हैं। ये देखिए यहाँ रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद यहां तक गया, उसके बाद देखिए लास्ट हमारा जो है पीछे हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ करके एक करके रखा हुआ था, वही रेजिस्टेंस अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो ये देखिए यहां से जो है डबल टॉप पैटर्न बना, डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद यहां पर जो है हमको बेरिश डाइवर्जेंस मिला, और यहां पर देखिए बेरिश डाइवर्जेंस ने कितना अच्छा बखूबी अपना काम कर दिया। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अब ये देखिए अभी स्टॉक सपोर्ट पर आने के बाद क्या कर रहा है। देखिए जो मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी बताई है इसको आप चाहें तो अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, और कभी भी जो है आप अपने चार्ट खोलिए जहां पर भी इस तरह के डबल टॉप और डबल बॉटम टाइप के पैटर्न मिलते हैं वहां पर आप एक RSI एक बार जरूर जाकर चेक करिए। और मैं आपसे जो है दावा करता हूं कि 100 में से 90 टाइम्स जो है आपको वहां पर डाइवर्जेंस जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सपोर्ट पर आने के बाद इस स्टॉक ने जो है एक रेंज बनानी चालू कर दी है, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। देखिए ये एक मेरी खुद की बनाई हुई स्ट्रेटजी है, क्योंकि मैं मार्केट में जो है ऑलवेज मैं मार्केट को वॉच करते रहता हूं, मैं देखता हूं कि जो है स्टॉक का बिहेवियर किस तरह से है, स्टॉक किस तरह से काम कर रहा है। तो मैंने उन सब चीजों में से ये निचोड़ निकाल के रखे हुए हैं जो मैं आप लोगों के सामने अभी बता रहा हूं, कि जो मैंने अभी आपको स्ट्रेटेजी बताई है और जो मैंने आपको बताया है कि कभी भी कोई भी स्टॉक जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जाने के बाद कुछ टाइम वहां पर रेंज बनाएगा, ऐसा नहीं है कि वो जो है सपोर्ट पर आने के बाद एकदम से ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आने के बाद जो है वो स्टॉक जो है वहां पर एक रेंज बनाएगा, रेंज बनाने के बाद जब उसका ब्रेकआउट होगा वहां पर हमने एंट्री लेनी है। चलिए मैं आपको यहां पर एक चीज और दिखाता हूं, ये देखिए अभी यहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है। अभी हमको यहां पर मैं आपको ये दिखा देता हूं, आप यहां पर फोकस करिए, वन एंड हेयर टू। अभी देखिए यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे हमने ऊपर अभी डबल टॉप का हमने देखा था, वैसे आज सिनेरियो यहां पर अभी डबल बॉटम का बना हुआ है। तो यहां पर ये देखिए डबल बॉटम हम अपने को देखने को मिल रहा है, और देखिए यहां पर क्या है, आप यहां पर क्लियर कट देख सकते हैं कि ये देखिए कितना अच्छा एक आपको जो है बुलिश डाइवर्जेंस यहां पर देखने को मिल रहा है। मैं बड़ा कर दूं, अब आप देखिए यहां देखिए, क्योंकि दोनों जो है प्राइस एक ही लेवल पर है। ये देखिए 1466 रुपीज, और मतलब जो सेकंड लेवल जो है इसका जो लो लगा हुआ है वो लो लगा हुआ है सॉरी हाँ मतलब 10 रुपीज का गैप है, 1460 और 1450, मतलब ये जो है एक ही लेवल पर ये जो है डबल बॉटम बना हुआ है। बट ये देखिए आप नीचे से जो RSI देख सकते हैं इसमें देखिए कितना ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, एक RSI का जो लेवल है वो आपको 21 देखने को मिल रहा है, और सेकंड जो आपको यहां पर ये जो लेवल आपको देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 61। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो है यहां पर 40 पॉइंट का जो है गैप हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ डबल टॉप और डबल बॉटम पर कभी भी आपको RSI देखना है, आपको 100 में से 90 टाइम्स आपको जो है वहां पर डाइवर्जेंस देखने को मिल जाएगा, वो चाहे बुलिश डाइवर्जेंस के रूप में हो चाहे वो बेरिश डाइवर्जेंस के रूप में हो, वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए इसका ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट होने के बाद हमारा यहाँ पर टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट ये होगा जो हमने पीछे अपनी ये जो है सपोर्ट ड्रॉ करके रखी हुई है। ठीक है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, देखिए मार्केट में जो सपोर्ट पहले होते हैं वो सपोर्ट जब ब्रेक हो जाते हैं तो वही रेजिस्टेंस का काम करते हैं, और जो रेजिस्टेंस बने होते हैं जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाते हैं तो वही सपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने यहां पर अपना टारगेट अचीव किया। अब उसके बाद देखिए अभी
बस अब हमारे ये हमने देखिए हमने जो पीछे ड्रॉ करके रखे हुए हैं ना, हमने उसी सपोर्ट और उसी रेजिस्टेंस पर जो है अगर कंटिन्यू हम फोकस करते रहते हैं तो जो है हमको ये देखने को मिलेगा कि देखिए जो मार्केट में पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने हुए हैं वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में आगे बनते जाएंगे, उसी पर मार्केट सपोर्ट लेगी, उसी पर मार्केट रेजिस्टेंस लेगी, ठीक है ना। सिर्फ क्या चीज चेंज होता है, सिर्फ एक ट्रेंड लाइन चेंज होती है। जब मार्केट में नए हायर हाई बनते हैं और नए लोअर लो बनते हैं, ठीक है ना, तब मार्केट में जो है वही एक सिनेरियो चेंज होता है। अदरवाइज जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस नियर अबाउट जो है एक ही लेवल पर काम करते रहते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर इसने एक सपोर्ट दिया, सपोर्ट देने के बाद यहां पर जो ब्रेकआउट हुआ है, अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है। यहां पर जो है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, अब यहां पर देखिए मैंने जैसे आपको बताया ना कि ट्रेंड लाइन जो है सिर्फ एक ट्रेंड लाइन ऐसी चीज है जो ट्रेंड लाइन चेंज होती है, बाकी तो नियर अबाउट सपोर्ट और रेजिस्टेंस वही काम करते हैं। और यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां देखिए हायर हाई यहां पर बन रहे हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको जहां पर भी दो हायर हाई मिले, देखिए अभी आपको मैं यहां सिंपल बता देता हूं, ये देखिए आपको यहां पर दो हायर हाई मिला, ठीक है, और आप एक पैटर्न यहां से भी ड्रॉ करिए, आपको यहां पर जो है दो इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर आपको दो हायर हाई मिल चुके हैं, ठीक है, और ये जो है दो आपको यहां पर लोअर हाई मिल चुके हैं। तो अभी हमारा जो देखिए टारगेट क्या होगा, अभी नेक्स्ट टाइम हमको अगर बाइंग करनी है तो हम कहां पर बाइंग करेंगे, या तो हमको जो है स्टॉक इस लेवल पर मिल जाए, ठीक है, या तो इस सपोर्ट पर मिल जाए तब हम बाइंग करेंगे, या फिर जो ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ करके रखी हुई है हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने इसको एक्सटेंड कर लिया और स्टॉक हमको यहां पर मिला, इस लेवल पर, इस लेवल पर हमको स्टॉक मिला है। यहां पर देखिए 1 हफ्ता नियर अबाउट 1 वीक इसने रेंज बनाई है, रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद देखिए जो है कितनी अच्छी मूवमेंट ये देकर गया है, ठीक है। और इसी सेम सेम जो है हम ये भी जो है ड्रॉ कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से देख रहे हैं यहां पर, ये देखिए ये जो है ना चैनल कुछ ऊपर नीचे करने पड़ जाते हैं, ठीक है। अभी यहां पर देखिए क्या हो रहा है, अभी इसी चैनल के अंदर ये जो है कंटिन्यू काम कर रहा था। मैंने अपनी जो है टेलीग्राम चैनल पर भी टोरेंट फार्मा को जो है मैंने पोस्ट किया था कि टोरेंट फार्मा जो है नियर अभी एक चैनल में काम कर रहा है, बट चैनल का जब ब्रेकआउट होगा तो आप लोगों को जो है बहुत अच्छी एक मूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी चलिए देखिए, अभी हम इसके अंदर पैटर्न के अंदर पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखिए, मैंने आपको जैसे बताया ना कि जो मार्केट में पहले सपोर्ट बने होते हैं वही रेजिस्टेंस का काम करते हैं, और जो रेजिस्टेंस बने होते हैं वही सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। देखिए मैं बिल्कुल सिंपल एनालिसिस करता हूं, मैं अपने चार्ट को बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूं, बिकॉज मैं सिंपल चीजें फॉलो करता हूं। देखिए मार्केट में आपको अगर पैसे कमाने हैं तो आपको सिंपल चीजें ही फॉलो करनी होंगी, अगर आप अपने चार्ट को कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो आप उसमें उलझ कर रह जाएंगे और वो जो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको एक यहां पर सिंपल चीजें करके दिखाता हूं, ठीक है। ये देखिए यहां पर क्या हुआ, मार्केट ने अभी, मैं ये चैनल जो है डिलीट कर देता हूं, ठीक है, तो आपको जो अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। यहां पर देखिए ये जो हाई लगा था, हाई लगने पर इस यहां पर सपोर्ट लिया, अभी ये देखिए जब इसने इसको ब्रेक किया तो सपोर्ट कहां लिया है, जो इसका हाई था, ठीक है, वो रेजिस्टेंस था, अब यहां पर देखिए वो सपोर्ट बन चुका है, अभी सेम जो हमने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए ये यहां पर देखिए आप, ठीक है, यहां पर ये जो हाई था वही इसका यहाँ सपोर्ट बना है, अभी ये देखिए यहां पर इसका जो हाई है वही इसका सपोर्ट बना है, ठीक है। और यहां पर ये देखिए, यहां पर ये मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट किया था, ये देखिए ये चीज मेरे को याद आ गई, ठीक है, यहां पर मैंने ये चीज जो है टेलीग्राम पर मैंने पोस्ट की थी। तो मैंने बताया भी था कि जैसे इस चैनल ये जो है मतलब समझ लीजिए आप एक डार्क स्टॉक बॉक्स टाइप का पैटर्न मान लीजिए, ठीक है, या फिर देखिए यहां पर जो है ना एक रेंज बन रही थी मार्केट की, यहां पर देखिए 7-8 दिन यहां पर और 10-15 नियर अबाउट, मतलब ये 1 मंथ की यहां पर रेंज बन गई थी। और यहां पर मैं टेलीग्राम पर मैंने क्लियर कट जो है मैंने जो है पिक्चर डाली थी और मैंने लेवल भी बताया थे कि जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी आप देखिए इस जो है टोरेंट फार्मा ब्लास्ट हो सकता है, बहुत अच्छी एक मूवमेंट दे सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए फाइनली क्या हुआ है, यहां पर ये लेवल ब्रेक हुआ कितने पर हुआ, 2060 रुपीज पर, और देखिए इसने जो है मतलब 2 और 3 दिन में कितना हाई लगा दिया, नियर अबाउट 220 रुपीज का इसने हमको मूवमेंट दे दिया। तो चलिए मैं जो है ये ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है ना, ये जो है आपके जो है जहन में रहेगा तो काफी अच्छा रहेगा। ये देखिए
ठीक है। तो देखिए अभी चलिए मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि टोरेंट फार्मा में जो है आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। फिलहाल तो टोरेंट फार्मा जो है अभी काफी जो है एक अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है। अरे यार ये टोरेंट फार्मा देखिए काफी अच्छे कैप ट्रेंड में चल रहा है और ये अभी अपने बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पर जो है ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो जो है देखिए अभी इसमें हम इसमें इसका लेवल किस तरह से निकालेंगे। देखिए इसका लेवल निकालने के लिए हम फिबोनाची का यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अब मैं आपको पिक्चर बड़ी करके दिखा देता हूँ कि जैसे मतलब कोई इन्वेस्टर है और वो इन्वेस्टिंग के पर्पज से वो जो है सीखना चाहता है तो वहां पर जो है कैसे करना है। आप ये देखिए हमने ये जो लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ था, सॉरी पहले मैं इसको डिलीट कर दूं, यहाँ जो एक लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने जो है एक रेंज बनाई हुई है, ये देखिए ऊपर की रेंज आप ये देखिए ये देख सकते हैं 1750 रुपए की है और नीचे की जो रेंज है वो नियर अबाउट 1250 रुपए की है। तो ये लमसम एक 1200 नियर अबाउट 500 रुपए की एक रेंज है। तो देखिए इस ऐसे सिचुएशन में हमारा टारगेट क्या होता है। देखिए फर्स्ट टारगेट तो हमारा जो ये रेंज होती है, जो ये रेंज है नियर अबाउट ये 500 रुपीज की रेंज है। तो देखिए अभी क्लियर कट है, ऊपर का जो है नियर अबाउट कितना है 1750 रुपए है। तो देखिए इसमें जो है हम जो रेशियो लेकर चलते हैं वो 1:1 और 1:2 लेकर चलते हैं। तो हमारा इसमें फर्स्ट टारगेट जो होगा, जो ये रेंज ब्रेक हुई है, जितना इस रेंज का प्राइस है, ठीक है, जैसे मतलब मेरे कहने का मतलब है जैसे 1250 इसकी नीचे की रेंज है और 1750 रुपये इसकी ऊपर की रेंज है, तो 500 रुपये की मूवमेंट तो यहाँ पर क्लियर कट और 100% कंफर्म है। ठीक है ना, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने कितना लगा दिया है नियर अबाउट, देखिए 500 रुपीज की रेंज तो यहाँ पर पूरी हो चुकी है। ठीक है, जो मतलब देखिए कभी भी आपको इस तरह का अगर पैटर्न मिलता है मार्केट में, ठीक है ना, जहां पर लॉन्ग टर्म के बाद कोई भी ब्रेकआउट होता है, तो ये रेंज देखिए आप कब से थी, ये 2015 से 2019 तक की रेंज थी। तो देखिए ये 4-5 सालों की रेंज थी और आप जो है खुद सोचिए जब 4-5 सालों की रेंज जब ब्रेक होगी तो वो कितने अच्छे मूवमेंट देके जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई कैदी अगर 4 या 5 सालों के बाद जेल से छूटता है तो वो जेल से निकलने के बाद कितनी तेजी से भागेगा अपनी घर की तरफ कि वो दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। तो सेम चीज यहां पर है, तो यहां पर जो है रेंज ब्रेक हुई है। अभी देखिए मेरा यहां पर जो टारगेट है वो टारगेट मेरा 3000 रुपीज का है टोरेंट फार्मा में। ठीक है, ये मेरा जो है पोजिशनल टारगेट है, ये कोई इंट्राडे में आने वाला टारगेट नहीं है। तो मेरा जो है टारगेट यहाँ पर 3000 रुपीज का है। अगर आप में से भी अगर कोई इसमें पोजीशन बनाना चाहता है तो आप पोजीशन बना सकते हैं, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं रेंज का भी ब्रेकआउट हुआ है और अभी जो फिलहाल में जो ब्रेकआउट हुआ है वो इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ है। तो ये चैनल की जो रेंज थी वो थी, अब मैं देख लेते हैं 9080 और यहाँ से देख लेते हैं 7050 और यहाँ की जो रेंज थी 50, मतलब 200 रुपीज की। तो यहाँ पर जो है 21-22 तो नियर अबाउट अभी हमको यहाँ पर 100 रुपीज 100 रुपीज की मूवमेंट मिली है। अभी 100 रुपीज के मूवमेंट तो 100% कंफर्म है यहाँ पर। ठीक है ना, देखिए मैंने ये रेंज कैसे निकाली, ये देखिए ये जो रेंज है ना, ये जो हमने चैनल जो हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है, इस चैनल का रेंज 200 रुपीज है। तो अभी ये चैनल को ब्रेक करने के बाद अभी ये 100 रुपीज ऊपर की तरफ गया है और अभी इसमें 100 रुपीज इसमें जो है बाकी है। ठीक है ना, तो अभी हम मतलब अभी आने वाले टाइम में इंट्राडे के लिए तो हम ये 100 रुपीज को तो नहीं छोड़ेंगे, ये तो जरूर हम कवर करेंगे। चलिए ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो या आपको मेरी वीडियो में किसी तरह की कोई भी चीज समझ ना आई हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन की रिप्लाई करूंगा। सेकेंडली अगर आप सीखना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है तो देखिए सीखना क्या है, सीखना चार्ट की एक कला है, दिस इज द आर्ट ऑफ द चार्ट। ठीक है, आप चार्ट ड्रॉ करिए, आप चार्ट मुझे भेजिए, अगर चार्ट में आपकी कोई गलती होगी तो चार्ट को जो है मैं आपको जो है उसको सही करके उसको राइट करके मैं आपको रीसेंड करूंगा। उससे आपको क्या है, आपको अपनी गलती पता लगेगी कि मेरी चार्ट में यहां पर ये गलती होगी। देखिए जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है इंक्रीज नहीं होगा तब तक आपकी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो सकती। ठीक है ना, आप जो है ट्रेड लेने में डरेंगे,
अगर देखिए जैसे आप इसमें 100 क्वांटिटी का जो है ट्रेड करते हैं, अगर आपको इसमें 1000 क्वांटिटी का ट्रेड करना है कैश मार्केट में, तो देखिए जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है इंक्रीज नहीं होगा, तब तक आप जो है 1000 तो क्या, आप 200 क्वांटिटी को जो है ट्रेड करने में भी जो है आपको डर लगेगा, ठीक है ना। तो एक फियर फैक्टर है, जब तक आप जो है चार्ट में बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो जाते, जब तक आप टेक्निकल में एक्यूरेट नहीं हो जाते, तब तक मेरे हिसाब से आपको जो है छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, ठीक है ना। बाकी हमारा जो है एक पेड ग्रुप भी है जिसमें मैं जो कॉल देते रहता हूँ, ठीक है ना, उसमें जो है मेरे जो भी क्लाइंट हैं वहां से काफी अच्छा प्रॉफिट निकाल के ले जाते हैं। उसमें जो है हम सुबह से लेकर कैश मार्केट में भी काम करते हैं, फ्यूचर में भी काम करते हैं, और ऑप्शन में भी काम करते हैं, जो है बैंक निफ्टी निफ्टी में भी के फ्यूचर में काम करते हैं, और क्रूड ऑयल में काम करते हैं, गोल्ड में काम करते हैं, मतलब हम टोटल A to Z जो है सेगमेंट हम कवर करते हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई सर्विस लेनी हो तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा मोबाइल नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9878137600, ठीक है। देखिए जो है मार्केट में पहले आप सीखिए, विदाउट नॉलेज जो है इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग टू इन्वेस्ट हेयर। अगर विदाउट नॉलेज अगर आप यहाँ पर कोई भी ट्रेड अगर ले रहे हैं तो वो मतलब काफी घातक सिद्ध हो सकते हैं। देखिए आपके पैसे लूज भी हो सकते हैं, बहुत से लोग पैसे यहाँ पर लूज कर रहे हैं, बट तो अगर उनको आप कहेंगे कि नहीं, अगर आपको सीखना चाहिए, आप महीना या 2 महीना अपने लर्निंग पर लगाइए, तो जो है मतलब उनको वो चीज अच्छी नहीं लगती है। देखिए हमारा लर्निंग प्रोग्राम भी है, जो हम अपने क्लाइंट्स को लर्निंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, उनको चार्ट पैटर्न कंटिन्यू जो है उनकी प्रैक्टिस कराते हैं, और हर संडे हमारा जो है हर संडे हमारा लाइव सेमिनार होता है, लाइव वेबिनार होता है, जिसमें हम हर सभी की क्वेरी क्लियर करते हैं, चार्ट पैटर्न सिखाते हैं, जो भी उनको कोई प्रॉब्लम आती है सब सॉल्व करते हैं। अगर आपको भी इस तरह से कोई लर्निंग की कोई भी अपना कंसेप्ट चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करिएगा। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।